Hello everyone, I'm Askin Igam, your chemistry teacher, and in today's session I'm going to teach you some topics of chapter number 1 of NCERT chemistry of class 11th. And the name of the chapter is some basic concepts of chemistry. So in today's session I will teach you about the atomic mass unit, unified mass, then molecular mass, then formula unit mass, and afterward mole concept and molar mass. So let's get started. तो आज की पहली हेडिंग है हमारी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। एटॉमिक मास को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो इट इज़ द मास ऑफ वन एटम, दिस इज द एटॉमिक मास। ओके, बट जस्ट इमेजिन कि हम एटम्स की बात तो ये कर रहे हैं कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे कैन नॉट बी सीन बाई अवर नेकेड आई। तो ये सब बातें अगर हम कलेक्ट करें तो क्या आपको लगता है कि हम वन एटम को देख सकते हैं या उसका मास हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउडेज देयर आर वेरियस मेथड, जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है, इसकी हेल्प से हम नाउडेज वी कैन मेजर द मास ऑफ एनी एलिमेंट, एनी मॉलिक्यूल। बट अगर पहले की बात करें तो उस समय हम किसी भी एटम के मास को मेज़र नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल एंटिटीज एंड यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे एटम्स को एक साथ में कलेक्ट कर दूँ, अब मैं कह दूँ कि इसमें हज़ारों की संख्या में है कोई चीज़, है ना, कोई भी एक छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बहुत महीन महीन से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि सैंड के पार्टिकल्स हैं, ओके, तो एक सैंड पार्टिकल का मास क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? एक सैंड पार्टिकल का मास निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप वही वन बॉल पूरा भर के अगर आपने एक सैंड पार्टिकल्स को लिया और उसको वेट कर लिया, वेट करने के बाद आप अगर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मिल जाएं और उसको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, तो आपको एक पार्टिकल का मास मिलेगा। ओके, इस तरीके से हम मास निकाल सकते हैं। पर वन एंड ऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं तो उनका मास आप नहीं निकाल सकते हो इतनी आसानी से जितना कि हम समझ रहे हैं। इसलिए हम करते क्या हैं कि इसका हम जो मास निकालते हैं, एक्चुअली जो मास हम पढ़ते हैं दैट इज़ नॉट द एटॉमिक मास, एक्चुअली दे आर द रिलेटिव एटॉमिक मास। वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, और रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों है? क्योंकि हम एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करके मास निकालते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम जिसकी हेल्प लेते हैं, दैट इज़ एवोगैड्रोज लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है। एवोगैड्रोज लॉ कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन अगर सेम है तो उस समय जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो ऑन दिस बेसिस अगर मैं कहूँ कि कोई एक मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस आपने ले ली, उसी तरह से आपने ऑक्सीजन गैस ले ली, इन दोनों गैस का अगर आपने सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रखा तो इसका मतलब है कि उनके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये सेम वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आता है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो। ओके, तो ये कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम है तो किसी भी डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम अगर सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे। मान लेते हैं आपने 1 लीटर की गैस ली है, ठीक है, चाहे कोई भी लो, चाहे इसको लो, तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स H2 का होगा वही नंबर ऑफ मोल्स O2 का भी होगा। ये एवोगैड्रोज लॉ हमारा कहता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और हम सेम वॉल्यूम दोनों के लेंगे, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का भी सेम वॉल्यूम लिया और ऑक्सीजन का भी सेम वॉल्यूम लिया, खूब सारी वॉल्यूम की गैस ले ली और फिर उसका वेट निकाल लिया, और वेट निकालने के बाद उसका रेशियो निकाला। जब हम मास का रेशियो निकालते हैं तो ये 1:16 आता है, जो कि हमेशा सेम रहता है, ठीक है, यानी आप चाहे 2 लीटर की गैस लो, चाहे 5 लीटर की लो, चाहे 1 लीटर की लो, ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो ये रेशियो ये समझा रहा है कि ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, मतलब ऑक्सीजन का जो मास है वो हाइड्रोजन के मास का 16 गुना है, ठीक है, तो इसलिए रिलेटिव वर्ड लिखा गया क्योंकि ये रिलेट किया जा रहा है। ओके, तो ऑन दिस बेसिस यू कैन से कि अगर मैंने कहा कि एक यूनिट है हाइड्रोजन का मास तो 16 यूनिट हो जाएगा ऑक्सीजन का मास। ओके, तो अभी तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में आप यही बोलोगे, और आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर भी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में भी 2 एटम्स होते हैं, तो आप चाहे मॉलिक्यूल का रेशियो बनाओ और चाहे एटम्स का रेशियो बनाओ, वो 1:16 ही आएगा।
तो ऑन बोथ द केसेस चाहे मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में चाहे एटम्स के केस में रेशियो 1:16 आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन के मास का 16 टाइम्स है। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर रिलेटिव मास निकाल रहे हैं। ओके, पर रिलेटिव मास निकालने के बाद जैसे मान लेते हैं मैंने कहा कि कोई और दूसरा एलिमेंट है सी जिसका मास 12 है, तो इट इज़ 12 द मास ऑफ द कार्बन इज 12 टाइम ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन, अगेन इट इज़ द रिलेटिव मास। ओके, तो ऑन दिस बेसिस हम बहुत सारे एलिमेंट के मास को एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। कि यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है कि इट इज़ दैट मच टाइम ऑफ। बट जब हम बात करते हैं 1961 से पहले की, तो 1961 से पहले हमने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना था, O16 को स्टैंडर्ड मान के हम ये मेज़रमेंट करते थे। ओके, तो ये मेज़रमेंट करते थे लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन के कई सारे आइसोटोप्स हैं जैसे O16 है, देन O17 है, इस तरीके से इसके आइसोटोप्स हैं O18 है, तो इन आइसोटोप्स का अगर हम कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें तो हमें पता है कि तीनों आइसोटोप्स के जब मास अलग हैं तो द ओवरऑल मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 16, इट इज़ समथिंग ग्रेटर दैन 16, बिकॉज O16, O17 और O18 सबका अपना अपना परसेंटेज एबंडेंस है, इसके हिसाब से इसका ओवरऑल मास 16 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हम मास निकालेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम मास नहीं आने वाला। इसी वजह से IUPAC के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बनाया गया एलिमेंट दैट इज़ C12, जिसको स्टैंडर्ड मान के अब सारी कैलकुलेशन हम C12 के हिसाब से करते हैं। ठीक है, इसीलिए इस पूरी स्टडी को हमने एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से पढ़ा, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट एक नया टर्म यहाँ पे आता है, AMU, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। तो AMU क्या कहता है, 1 AMU की अगर हम डेफिनेशन कहें कि व्हाट इज़ AMU, व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन ऑफ इट्स एटम एज कम्पेयर्ड विद द एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। तो हम क्या करते हैं कि कार्बन 12 के मास को हम 12 मान लेते हैं। अब हम इसको जब 12 मान रहे हैं तो इसके हिसाब से रिलेट करेंगे एलिमेंट्स को, तो जो मास आएगा वो 1 AMU होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसी के साथ साथ इसकी जो और रिफाइंड डेफिनेशन है जो आपकी NCERT में क्लास 9th में भी लिखा हुआ था और अभी भी आप अगर ढूंढोगे तो आपके NCERT में मिल जाएगा कि इट इज़ डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ द 1C12 एटम। मतलब इस 1/12 द मास ऑफ 1C12 एटम का जो होगा वही 1 AMU होगा। मीन्स 1 AMU इज इक्वल टू, इट इज़ द मास विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। मतलब C12 एटम का एक एटम उसका 1/12 हिस्सा, क्योंकि हमने C12 को 12 स्टैंडर्ड मान रखा है। ओके, तो अगर आपको एक निकालना होगा तो क्या करोगे, इसके पूरे के मास को 12 से डिवाइड करेंगे। तो 1 AMU इज़ द मास विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1C12 एटम। ये आपके NCERT के डेफिनेशन है और यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है, दिस इज़ 1 AMU। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज कि जैसे जैसे और रिफाइन होते चली गई स्टडीज़, वैसे वैसे इस AMU को यूनिफाइड मास से रिप्लेस कर दिया गया। यूनिफाइड क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट जब डिफरेंट स्टैंडर्ड, जैसे मैंने कहा कि O16 को स्टैंडर्ड लेके पहले चलते थे, फिर बाद में C12 को स्टैंडर्ड माना गया, तो अब जब C12 को स्टैंडर्ड मान लिया गया तो ये यूनिफाइड हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट्स वाई AMU इज़ रिप्लेस बाई यूनिफाइड। इसलिए अब हम जो मास लिखते हैं वो यू से लिखते हैं, जैसे 1U, 1 यूनिफाइड मास, 12 यूनिफाइड मास, 16 यूनिफाइड मास, इस तरीके से हम मास को लिखेंगे। तो nowadays AMU इज रिप्लेस बाय यूनिफाइड मास। क्लियर, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एटॉमिक मास। अभी हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि मैंने कहा। ओके, तो जैसे नाइट्रोजन की मास की अगर बात करें तो नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 यूनिफाइड मास। ओके, तो इस तरीके से ऑक्सीजन का मैंने बताया 16 यूनिफाइड मास। जितने भी हैं आप जितने भी एलिमेंट्स लिखोगे उसके मास को हम यूनिफाइड मास के हिसाब से लिखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज एवरेज एटॉमिक मास। जो हमारी अगली हेडिंग है वो है एवरेज एटॉमिक मास। तो व्हाई दिस एवरेज टर्म इज हियर, उसकी भी अपनी एक वजह है, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कार्बन को ही मान लेते हैं, C12 भी है, C13 भी है और C14 भी है, उसको हम ऐसे लिखते हैं C6 12, या आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 9th में पढ़ा होगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब एटमॉस्फेयर में जब तीनों तरह के आइसोटोप्स हैं तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सबका मास 12 ही होगा, ये तो गलत है हमारा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सारे आइसोटोप्स के मास
का सम करके उसका एवरेज निकालते हैं, तब हम कहते हैं दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपकी एनसीईआरटी में जैसे कि कार्बन 12 का परसेंटेज अबंड, ऐसी कंडीशन में आपको परसेंटेज अबंडेंस दी जाती है, जैसे सी 12 की आपको 98.892 दी गई है, 13 की 1.108 दी गई है और सी 14 की परसेंटेज अबंडेंस 10^-10 दी गई, 2×10^-10 दी गई। ओके, आपसे कहा जाता है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, सी ये 12 होगा या 13 होगा या 14 होगा या कुछ और होगा, तो इसके लिए आपको हमेशा क्वेश्चन में ये परसेंटेज अबंडेंस दी जाती है, दिस इज़ द परसेंटेज अबंडेंस कि 98.989% सी 12 है, 1.108% सी 13 है एंड इस तरीके से सी 14 है। तो हम करते क्या है, जब भी हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है तो हम पर्टिकुलर मास ले रहे हैं, जैसे सी 12 का मास होगा 12, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई इट्स परसेंटेज अबंडेंस एंड देन इट इज़ डिवाइडेड बाई 100। तो ये तो इतना कंट्रीब्यूशन किसका है, ये सी 12 का कंट्रीब्यूशन है। उसी तरह से प्लस अभी सी 13 का कंट्रीब्यूशन लिखिए, सी 13 मास नंबर 13 है, इसका परसेंटेज 1.108 है, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये किसका है, ये सी 13 का कंट्रीब्यूशन है, ये मास के रिस्पेक्ट में कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड इसी तरह से सी 14 का लिखेंगे आप तो सी 14 का मास नंबर है 14 एंड 2×10^-10 डिवाइड बाई 100। तो इस तरीके से आप जब सबको ऐड कर दोगे तो जो वैल्यू मिलेगी दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, जो कि इन द केस ऑफ कार्बन इट इज 12.011 यूनिफाइड। तो ये इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास। आई थिंक ऐसे ही आपने नाइन्थ में भी क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए हैं, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए थे नाइन्थ क्लास में, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं हम मॉलिक्यूलर मास की तरफ, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। वेरी सिंपल, आप इसको भी आप सी 12 से रिलेट कर सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन अगर आप चाहो तो उसको सी 12 के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर दैन 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ सी 12 आइसोटोप। तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को हम जनरली बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, ये आप पहले से जानते हो। मॉलिक्यूल मींस जिसमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे O2, H2, N2, दोस्तों दीज आर द मॉलिक्यूल्स। अभी जब ये O थे, S थे, N थे, तो ये एटम्स थे, दे आर एटम्स, एक से ज़्यादा हो गए तो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इन मॉलिक्यूल्स का जब आपको मास निकालना होगा तो आप क्या करोगे, दो एटम हैं और एक का मास हमें पता है 16, तो ये 32 यूनिफाइड मास हो गया। उसी तरह से हाइड्रोजन के भी एटम दो हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन का एक का मास 1 यूनिफाइड होता है तो 2 यूनिफाइड हो गया। इसी तरह से 2×14 हो जाएगा तो ये 28 यूनिफाइड मास हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे और ऐसे ही इट इज़ नॉट लिमिटेड अप टू सर्टेन गैसेस, ये किसी भी मॉलिक्यूल H2O का, CO2 का, जैसे H2O का निकालना है तो हाउ मैनी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड हर हाइड्रोजन का मास 1 यूनिफाइड मास प्लस 16 होता है ऑक्सीजन का, तो आपने इसको ऐड किया तो यह है 18 यूनिफाइड। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है ना, कार्बन का एक कार्बन का मास नंबर होता है 12 प्लस दो ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, तो इसको आपने सॉल्व किया 12 प्लस 32 मींस 44 यूनिफाइड मास, ठीक है। ऐसे किसी भी कंपाउंड का, फॉर एग्जांपल H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं, एक हाइड्रोजन का मास 1 है प्लस सल्फर 32 मास होता है इसका प्लस 4 ऑक्सीजन है, इसलिए 4 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 ऑक्सीजन दैट इज़ 16, इसको सॉल्व कर लीजिए 98 आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी SNO3 है, किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर निकाल सकते हो, क्योंकि कोवलेंट मैंने क्यों बोला, बिकॉज कोवलेंट कंपाउंड ही होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको मिलेंगे। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग पे, दैट इज फार्मूला यूनिट मास या फार्मूला मास। ये तो मॉलिक्यूलर मास हुआ, तो आता है फार्मूला मास। फार्मूला मास जब हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है, किसी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड कभी भी अकेला आपको नहीं मिलेगा,
ठीक है, जैसे मान लेते हैं NaCl है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से ये अरेंज होगा क्रिस्टल में। ओके, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि सिर्फ आपको सिर्फ एक NaCl मॉलिक्यूल नहीं मिल सकता, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, ये हमेशा क्रिस्टल्स बनाते हैं और क्रिस्टल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NaCl के फिजिबल हैं, पॉसिबल हैं। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो आप किसी एक मॉलिक्यूल को उठा के उसका मास नहीं निकाल सकते हो, इसलिए हम जब आयनिक कंपाउंड का मास निकालते हैं तो हम उसका फॉर्मूला देख के उसका मास निकालते हैं। जैसे हमने कहा NaCl है तो 23 ग्राम यूनिफाइड मास होता है सोडियम का मास, और 35.5 होता है Cl का, तो हमने इसको सॉल्व किया तो यह आया 58.5 यूनिफाइड मास, दिस इज़ द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। सिमिलरली जितने भी आयनिक कंपाउंड होगा, मास कैलकुलेशन आप बिल्कुल मॉलिकुलर मास जैसे ही करते हो, पर हम इसके लिए टर्म कौन सा इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला मास, क्योंकि ये किसी भी आयनिक कंपाउंड का होता है और आयनिक कंपाउंड कभी भी सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होता है। जब ये क्रिस्टल बनाएगा तो इसमें हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको हम फॉर्मूला मास के टर्म में लिखते हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं कोवलेंट, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो अकेला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, H2 मॉलिक्यूल अकेला एग्जिस्ट करता है ना, इस तरीके से H2SO4 का अकेला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो ये कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास हम जनरली कोवलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मूला यूनिट मास टर्म हम आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कभी भी आयनिक कंपाउंड अलोन नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल कभी भी उसका नहीं मिलेगा आपको, जब भी मिलेगा वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलेगा, मीन्स उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसलिए हम फॉर्मूला यूनिट मास टर्म आयनिक कंपाउंड के मास को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हमारा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट मोल्स का, उससे पहले दो डेफिनेशन और देख लीजिए। एक है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास कुछ खास नहीं है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब अगर हम किसी भी एटम का मास ग्राम में निकालते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास इन ग्राम अगर हमने निकाला, ठीक है, तो ये कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हमने कहा ऑक्सीजन है 16 यूनिफाइड मास था, तो ये एटॉमिक मास कहला रहा था उस कंडीशन में, दिस इज एटॉमिक मास, क्लियर, नॉर्मल एटॉमिक मास। लेकिन अगर आपने इसको 16 ग्राम लिख दिया तो अब ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास, क्लियर। अब इस ग्राम एटॉमिक मास को किसी भी 16 ग्राम लिखा है तो ये 1 ग्राम एटम कहलाता है, 16 ग्राम जो है इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज 1 ग्राम एटम, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगेन द सिमिलरली जैसे वहाँ एटम था वहाँ यहाँ मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो ये कहलाएगा हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। मॉलिक्यूल मत जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि O2 ही है, फॉर एग्जांपल O2 का मास होता है 32 यूनिफाइड मास, ओके, लेकिन अभी यही आपने इसको अगर इस केस में ये कहलाता है मॉलिक्यूलर मास, ये क्या कहलाएगा मॉलिक्यूलर, क्योंकि आपने एक मॉलिक्यूल का मास निकाला है। लेकिन अगर यही आपने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, ग्राम मॉलिक्यूलर को मैंने इसमें आपसे क्या बताया था, ये जैसे ये 1 ग्राम एटम था, ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा, यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम होगा, ठीक है। अब इसको समझाने की सिर्फ एक वजह थी कि इसी से रिलेटेड है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, ओके, तो चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट की तरफ। मोल कॉन्सेप्ट है क्या, मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन से इसको शुरू करता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट की, 1 मोल होता क्या है, ठीक है। तो SI यूनिट पहले मैं बता देता हूँ, बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। SI यूनिट में अगर इसकी मैं डेफिनेशन कहूँ तो 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 एटम, मीन्स ये वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ओके, जो 12 ग्राम ऑफ C12 एटम में होते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से आपको समझ में आया कि ये वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अब पार्टिकल्स कोई भी हो सकते हैं, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, इसमें से कोई भी हो सकते हैं, तो ये वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होंगे जो C12 के 12 ग्राम के
मास में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि कंटेनर में आपने बहुत सारे पार्टिकल्स भर दिए किसी चीज़ के, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, अब आपने इसको काउंट कर लिया, ठीक है, उस हिसाब से कि C12 एटम का 12 ग्राम ले लिया हमने, अब 12 ग्राम में से सारे नंबर ऑफ एटम्स को, कार्बन के एटम्स को काउंट कर लिया, तो वो होता है 1 मोल, ठीक है, जो कि एमिडियो एवोगैड्रो के ऑनर में एवोगैड्रोज नंबर के नाम से हम उसको जानते हैं। 1 मोल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको हम एवोगैड्रोज नंबर से या NA से लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0.6022 × 10²³, ये एवोगैड्रोज नंबर है, ठीक है, जो हम 1 मोल के बराबर मानते हैं। पर इट इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। 1 मोल की डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बताई है, जो ऊपर आपको लिख के आ रही है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 मोल एंड इट इज़ इक्वल टू द एवोगैड्रोज नंबर जो कि 6.022 × 10²³ के बराबर होगी। ओके, नाउ ये 1 मोल आया कहाँ से, ये हमें जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली बात क्या है कि जितने, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इनको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली अगर 1 ग्राम 2 ग्राम का मास होगा तो इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ओके, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए कि कोई पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं और आपको कहना है कि उसमें 1 ग्राम मास है या 2 ग्राम मास है, तो सोच लीजिए कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। ओके, तो उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिकुलर मास की बात की थी, तो ग्राम मॉलिकुलर मास जैसे हमने कहा ओ का है 16 ग्राम। ओ जब 16 यूनिफाइड था, जब ओ 16 यूनिफाइड था तो ये एटॉमिक मास था, मतलब एक एटम था। जब ओ ये 16 ग्राम हो गया जैसे, या मॉलिक्यूल की बात करें तो ये 32 यूनिफाइड था, और जब ये 32 ग्राम हो गया, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये एक एटम या एक मॉलिक्यूल के लिए जो मैं पहले लिख रहा हूँ, दिस इज़ फॉर 1 एटम, दिस इज़ फॉर 1 मॉलिक्यूल, पर ये जो है ये एक से ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल के लिए हैं। इसका मतलब है कि चाहे हम मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में देखें, चाहे हम एटम्स के रिस्पेक्ट में देखें, तो ये जो 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल हैं, इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम आने वाले हैं, ठीक है, इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम आने वाले हैं। और जब इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया तो एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू एवोगैड्रोज नंबर के बराबर आई। तो इनको एवोगैड्रोज नंबर, हम उन एमिडियो एवोगैड्रो के ऑनर में ये नाम दिया गया, जिसको हम NA से लिखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया, तो जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम एटम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो एग्जैक्टली एवोगैड्रोज नंबर के बराबर आ गए, ठीक है। इसलिए हमने इसको एवोगैड्रोज नंबर से रिलेट किया और इसकी जो डेफिनेशन है वो इसी हिसाब से फ्रेम हो गई, ठीक है। क्योंकि IUPAC के कन्वेंशन के हिसाब से, या आप कह सकते हो SI यूनिट के हिसाब से, हमने C12 को ही स्टैंडर्ड माना हुआ है, इसलिए जब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ पे समझा चुके हैं अभी आपको कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो चाहे 1 ग्राम एटम हो, इसमें दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे, और एक्सपेरिमेंटली जब इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकाला गया तो वो 6.022 × 10²³ आया, जो कि 1 मोल है, यानी कि एवोगैड्रोज नंबर है, या इसको एवोगैड्रोज कांस्टेंट के नाम से भी हम जानते हैं। तो डेफिनेशन 1 मोल की हम इस हिसाब से समझाते हैं क्योंकि SI ने C12 को स्पेसिफिकली कंसिडर किया हुआ है कि वही हमारा डिफाइन करने का तरीका होगा। ओके, तो ये तो हो गया मोल कॉन्सेप्ट, 1 मोल एंड नाउ द मोलर मास। मोलर मास, तो मोलर मास एज द नेम इंडिकेट द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वही मोलर मास होगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं ग्राम के हिसाब से समझा रहा था, ठीक है। तो क्योंकि वहीं से बात शुरू हुई कि अगर ग्राम में है तो ग्राम में अगर आप मास निकालते हो तो अब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो अगर मान लेते हैं 6.022 × 10²³ एटम्स हैं किसी के, ठीक है, इतने एटम्स का मतलब ये 1 मोल एटम हो गए, इट इज़ 1 मोल एटम। जब ये 1 मोल एटम हो गया, यानी कि इतने सारे एटम्स का मास, तो जब भी हम 1 मोल सब्सटेंस का मास निकालते हैं तो न्यूमेरिकली इट इज़ जस्ट इक्वल टू द मास ऑफ द दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और द पर्टिकुलर एटम, बट यूनिट हमारी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने कहा O2 का एटॉमिक मास हमने लिखा था 32 यूनिफाइड मास, लेकिन अगर इसका, ये था हमारा क्या, मॉलिक्यूलर मास, दिस इज मॉलिक्यूलर मास, लेकिन जब हम इसका मोलर मास निकालते हैं, मतलब 1 मोल O2 का मास निकालते हैं, तो ये 32 ग्राम हो जाता है, ठीक है।
तो हम इसमें यूनिफाइड मास में एक्सप्रेस करते हैं, इसमें हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे किसी का भी। फॉर एग्जांपल H2O लिखा हुआ है, तो H2O का आपने भी थोड़ी देर पहले निकाला था, 2 × 16 मीन्स 18 यूनिफाइड मास। तो ये क्या है, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यही H2O का मास आपने 18 ग्राम लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये मोलर मास हो गया, क्योंकि ये एक मोल वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास था ये 18 यूनिफाइड, दिस इज नॉट 184, इट इज़ 18U, ठीक है। लेकिन अगर आपको 18 ग्राम लिख रहा है, इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास है, ठीक है। सो दिस इज़ द मोलर मास ओनली, तो इट इज़ वेरी इजी। नाउ नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्लास 9 में पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकालना अगर आप चाहते हो तो दिया टू फॉर्मूले, एक है गिवन मास, क्योंकि ये हमारे अभी सिलेबस में है नहीं, क्योंकि ये 9th में पढ़ाया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं डिस्कस करूँगा, बस खाली फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ। गिवन मास अपॉन मोलर मास से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम n इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं कि आपको मास दे दिया और नंबर ऑफ मोल्स पूछा, क्योंकि मोलर मास तो फिक्स है, मोलर मास और एवोगैड्रो नंबर ये दोनों चीज़ फिक्स हैं। क्या वेरिएबल है, एन वेरिएबल है, गिवन मास वेरिएबल है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरिएबल है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे भी इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो हमारी जो हैं वो कांस्टेंट है, कभी नहीं वैरी करती। क्या चीज़ बदलती, स्मॉल एन बदलता, कैपिटल एन बदलता, स्मॉल एम बदलता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको कलेक्टिवली लिखते हैं इस तरीके से, एन इज इक्वल टू एम अपॉन एम इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, और इसको अपॉन वन मान लेते हैं, ठीक है। अब किसी भी दो चीज़ को पूछा हो, मान लेते हैं आपसे नंबर ऑफ मोल्स और ये मास मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो आप इसको रिलेट कर लो इस तरीके से, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो आप इन दोनों को ले लीजिए साथ में। और उसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे के मास पूछा है, तो आप इन दोनों को ले लीजिए साथ में। आप किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स का सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि किसी भी एक चीज़ में, किसी भी एक जो भी आपके सामने मटेरियल आ रहा है, उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और वो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या क्या उसमें कंपोजिशन है, मतलब क्या क्या रेशियो है, ठीक है। जैसे घर में बहुत सी रेसिपी बनती है, तो रेसिपी तो बनती है, पर उसमें क्या होता है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, पर उनका रेशियो भी तो होता है, इतना ऑयल है ना, इतना सॉल्ट, इतना शुगर, इतना फ्लोर, जो भी डालना है उसका एक रेशियो होता है। तो उसी तरह से हर एक मॉलिक्यूल में है ना, जैसे मान लेते हैं मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा H2O, तो H2O जो होगा उस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपना अपना पार्टिसिपेशन है, ठीक है। जैसे मैं क्लास का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि एक क्लास है, मान लेते हैं 11 क्लास है, इसमें टोटल स्ट्रेंथ 50 बच्चों की है, इसमें से 20 गर्ल्स हैं, ठीक है, और 30 हमारे बॉयज़ हैं, दोनों मिलके बन गई हमारी 50 बच्चों की क्लास। अब मैंने पूछा व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा, तो इट इज़ वेरी सिंपल, नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 40%। तो बस यही करना है आपको इन मॉलिक्यूल्स में। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब कि उस मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा वाटर है अगर, तो वाटर का पहले तो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास लिखना चाहो, मोलर मास लिख लीजिए, ठीक है। मोलर मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, 18 ग्राम मोलर मास होता है। नाउ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको निकालना है, ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा हाइड्रोजन, तो कितना हाइड्रोजन है यहाँ, 2, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यही नहीं कि 2 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल मास 18 ग्राम इंटू 100, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। उसी तरह से परसेंटेज ऑफ अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, टोटल मास 18 ग्राम इंटू 100, इस तरह से दोनों का परसेंटेज आ जाएगा, दोनों का सम हमेशा 100 के बराबर आएगा। ऐसे ही किसी भी मॉलिक्यूल का आप कर सकते हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ CO2 निकालेंगे,
तो कार्बन का होता है 12, फिर 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का मास 16, ये आ गया 44 यूनिफाइड मास, सॉरी ग्राम लिख दीजिए, मोलर मास लिख रहे हैं हम यहाँ। तो ये हो जाएगा कार्बन का मास होता है 12 डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100, इस तरीके से आ जाएगा। उसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और 1 का मास होता है 16, तो 2 × 16 / 44 × 100, इससे आप ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लोगे। तो इन नट से अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी या उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ दैट एलिमेंट, द मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड, इस कंपाउंड में उसका मास क्या है, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन आसानी से कर पाओगे, इसका परसेंटेज कंपोजिशन का। तो आई थिंक आज के लिए हम इतना, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ऑलरेडी ये जो वीडियो है वो 30 मिनट की हो चुकी है, तो बाकी की एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड अदर टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय।